दोन्ही संघ बलाढ्य आहे, ताकदवान आहे, मजबूत आहे. आज एकमेकांसमोर आले नाही, यापूर्वी कित्येक वेळा आलेलं आहे. कित्येक वेळा एकमेकांना पाणी पाजले, धूळ चारली, खडे चारले, आसमान दाखवले, चारी मुंड्या चित केले, हरवले, पराभूत केले. आज परत एकदा या दोघांची गाठ इथे पडलेली आहे. सन्मान्य वैभवजी दळवी यांच्याकडून दोन्ही संघांसाठी शुभेच्छा प्राप्त झालेल्या आहेत. गणेशजी पर्टुले यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक. दरम्यान पहिला चेंडू इथे संपलेला आहे. निर्धाव चेंडू. कल्पेश जाधव, हरेश ही जोडी मैदानामध्ये सलामीसाठी. खोलवर टप्प्याचा चेंडू यावेळेस बघायचंय. फुलर लेनचा चेंडू होता, पायाला चिरून जात होता. कल्पेश जाधवचा मोठा प्रयत्न होता, परंतु ते फसलेला आहे. भावेश पवार या स्पर्धेमध्ये अतिशय आग ओकणारा हा गोलंदाज, आणि त्याच्या समोर आपण पाहिला कल्पेश जाधवला. पहिला चेंडू निर्धाव होता, त्यानंतरच्या चेंडूवरती त्यानं धाव घेतली आणि आता स्ट्राईक एंड वरती असणार. इथं स्कोरर नाही माझ्या समवेत. अंपायर थांबा, अंपायर थांबा. फायनल मॅच सुरू झालेली आहे, दोन चेंडू झालेले आहेत. निखिल दाखल होत आहे, स्वागत आहे निखिल. अपेक्षा करतो की पुढच्या 8 षटकांमध्ये आम्हाला खूप चांगलं स्कोरिंग बघायला मिळेल. भावेशचा चेंडू यावेळेस अखूट टप्प्याचा चेंडू, हुकचा प्रयत्न होता, इथे फसलेला. दोन्ही संघांनी आतापर्यंत जे सामने खेळले होते खर तर ते घरी करायला दिलेला अभ्यास होता. आता प्रत्यक्षात बोर्डाचा पेपर सोडवायची वेळ आलेली आहे. या ठिकाणी योगेशजी बोहीर वेहलोळी यांच्याकडून ट्रॅक टी शर्ट आणि सॉक्स असणार आहे. फॉग आणि त्याचबरोबर गिफ्ट हॅम्पर असेल. फायनल मॅन ऑफ द मॅच साठी फायनलचा सामना मैदानामध्ये. इथे पाहतोय चेंडू आकाशामध्ये आणि बाहेर षटकार. भावेश पवार वरती चढवला हल्ला. भावेश पवारच्या गोलंदाजीवरती चढवला हल्ला. पहिल्यांदाच भावेश पवारवरती इतका मोठा हल्ला कोणी चढवला असेल. पाहिले आपण भन्नाट वेगाना चेंडू आखूट टप्प्याचा उजव्याच्या बाहेर जातोय. निर्धाव, षटक संपलं, पहिल्या षटकाचा खेळ संपेल. धाव फलकावरती 7 धावा. यजमान संघ घरच्या मैदानावरती घरच्या प्रेक्षकांसमोर खेळणारा, घरच्या अंगणात खेळणारा संघ आहे तो एजी स्पोर्ट्स, अशोकराव जाधव स्पोर्ट्स, बादशाही. सेवक हैलई वाला साऱ्यांच्या आधी मानपान त्याला दिला चाहे दिलवाला दादा दिला चाहे दिलवाला. आमच्या भातसई गावाचा किंग मेकर अशोक जाधव आला. आमच्या भातसई गावाचा किंग मेकर अशोक जाधव आला. बघू शकतो आपण हरीशला मैदानामध्ये, कल्पेशला, दोघही सलामवीर. पहिल्या षटकामध्ये 7 धावांची सलामी. भावेश पवारचं पहिलं षटक संपलेलं आणि या षटकामध्ये त्याला यश मात्र हाताला लागलेलं नाही. सुजित डॉन यांच्याकडून लागोपाठच्या 3 षटकारांसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे. तर दुसरं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज राहुल. आतापर्यंत दोन्ही संघांनी ससे हरणांची शिकार केलेली आहे. प्रत्यक्षात आता वाघांची शिकार करण्याची वेळ आलेली आहे. कोण ठरेल शिकारी, कोण ठरेल शिकार हे बघू आपण. ओहो, इथे पायचे स्कूप करायचा होता कल्पेशला, फटका फसलेला. 1 धाव मात्र सहज पूर्ण होईल. 1 धावेबरोबर धाव फलक पुढे पोहोचेल. 8 धावा. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये सुरू आहे. मैदानावर मंचावरती उपस्थित आहेत कार्य सम्राट नगरसेवक सन्मान्य प्रभुदासजी नाईक साहेब. खरं तर 1916 साली मला पहिल्यांदाच मदनबुवा नाईक ट्रॉफीमध्ये प्रभुदासजी नाईक यांच्या माध्यमातून भिवंडीमध्ये पहिल्यांदा समालोचन करण्याची संधी मिळाली होती. आज ते प्रत्यक्षात या मंचावरती उपस्थित आहेत. आज पुन्हा एकदा त्यामुळेच या व्यासपीठावरती देखील येण्याची संधी प्राप्त झाली. 9 धावा. धाव फलकावरती आम्ही या ठिकाणी बघतोय सलामीची जोडी मैदानामध्ये. कल्पेश जाधव बादशाहीचा कोहिनूर आहे, हा शहापूरचा टायगर आहे कल्पेश जाधव.
या मैदानामध्ये कल्पेशचा झंझावात आम्ही पाहिलेला आहे. कल्पेश नावाचं वादळ इथे घोंगावतंय. वादळाची परिसीमा काय असते तो दाखवणारा खेळ कल्पेशकडून आम्हाला नेहमी बघायला मिळतो. रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा प्रयत्न, फुलर लेनचा चेंडू, रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न फसलेला, निर्धाव चेंडू. आज दोन्ही संघ घरी अभ्यास करून आलेले आहेत. दोन्ही संघांचं होमवर्क खूप चांगलं आहे. कोणत्या फलंदाजाची स्ट्रेंथ काय, कोणाचे विकनेस काय, सगळं माहित आहे एकमेकांना. आणि त्यामुळेच या मॅच मध्ये मजा येणार आहे. ज्यावेळेस जखमेवरती मीठ चोळायचा प्रयत्न होईल. फुल टॉस चेंडू, खराब चेंडू, परंतु अडवला गेला तिकडे. अन्यथा अजून काही धावा निश्चित मिळाल्या असत्या. वाईड चेंडू आहे, त्याबरोबरच अतिरिक्त एक धाव, दोन धावा इथे मिळतील आणि दोन धावांबरोबर धाव फलक दोन अंक ओलांडेल. 11 धावा सलामीची जोडी मैदानामध्ये. अजून शांतता आहे, परंतु ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. तुफान आने से पहले पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन बाद में अस्ताव्यस्त हो जाता है, उद्ध्वस्त हो जाता है. ये हमने कई बार देखा है. आज फिर एक बार इस मैच के अंदर ऐसा ही नजारा. हरीश ऑन स्ट्राइक, बॉलिंग मार्ग पर राहुल दैना. ओ, उठाने की कोशिश, लेकिन स्टंप बिखेर गए. पहला झटका बादशाही को. या डेंजर बॉलर नी, या डेंजर बॉलर नी, अशी बुद्धी लढवली, या फेमस बॅट्समन ची कशी दांडी सुडवली, या फेमस बॅट्समन ची मग दांडी सुडवली, या फेमस बॅट्समन ची मग दांडी सुडवली. नेक नाम बनाने के लिए सालों लगते हैं, लेकिन बदनाम होने के लिए कुछ पल काफी होता है. नगरों का निर्माण करने के लिए सालों लगते हैं, लेकिन विध्वंस होने के लिए कुछ घंटे काफी होते हैं. चढ़ने के लिए घंटे लगते हैं, लेकिन गिरने के लिए कुछ पल काफी होता है. यहां पर ऐसा ही पर्वत की तरह अटल खड़ा रहना है. दोनों टीमें खब्बू टीमें हैं, मजबूत टीमें हैं, पावरफुल टीमें हैं, और एक दूसरे के खिलाफ फाइनल खेल रही हो तो अंदाज कुछ अलग होगा. पहला विकेट यहां पर पतन होता हुआ, 11 रन का योग पर, एक विकेट के नुकसान पर. तो हरीश चले गए, कल्पेश अब स्ट्राइक है इनके ऊपर, नॉन स्ट्राइक है इनके ऊपर. तो दिनेश ऑन स्ट्राइक, दिनेश बसवंत श्रृंखला के आयोजक है, दोनों आयोजक है और दोनों अच्छे खिलाड़ी है. उठाने की कोशिश राहुल की, इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला, अलोंग द कारपेट वहां पर भावेश मौजूद है, उठाएंगे गेंद को. एक रन का इजाफा और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन. मेहनत करने वाले विकास करते, सफल वही होते हैं जो प्रयास करते. यहां पर प्रयास जारी है दोनों टीमों का. दूर वाले छोर से आरंभ करते, फील्ड सेटिंग देखिए, जो पावर प्ले हटाया गया है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन अभी भी कायम है. 30 यार्ड सर्कल के दायरे के अंदर चार खिलाड़ी मौजूद रहेंगे. इस वक्त शॉर्ट पिच डिलीवरी, और ये खाना था, खाया. बेहतरीन लंबा शॉक 6 रन के लिए कल्पेश जाधव द्वारा. कल्पेश जाधव शॉक तो ही करा, शाहपुर तालुक्याचा टाइगर, शाहपुर तालुक्याचा टाइगर, शाहपुर तालुक्याचा टाइगर. आमचा गुड्डा बाई कानिवली वाला, गुड्डा बाई कानिवली वाला, हाय लय हिम्मत वाला, दादा हाय लय हिम्मत वाला. शक्तिशाली आदमी अगर शक्ति का प्रदर्शन ना करे तो वो निंदा और उपेक्षा का पात्र बन जाता है. कल्पेश जाधव ये बड़ा खूंखार खिलाड़ी है, जाबाज खिलाड़ी है, शेरदिल खिलाड़ी है. क्या खेलता है इस मैच में हमने देखा है कल्पेश जाधव को. इस मैच में नहीं, इस श्रृंखला में भी नहीं, तो कई श्रृंखलाओं में हमने कल्पेश जाधव को इनिंग को देखा है. हमारे पुणे जिले में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कल्पेश जाधव द्वारा हमने कई बार देखी. आज फिर एक बार इस मंच के ऊपर बहुत ही घमासान मैच के अंदर एक छक्का कल्पेश जाधव के बल्ले द्वारा. स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है. आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है. नए गेंदबाज पवन, पवन को आक्रमण पर लाया गया है. और स्ट्राइक एंड के ऊपर हम दिनेश बसवंत को देखेंगे. नए ओवर की शुरुआत, शायद फील्ड सेटिंग में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं. एंड को बदला जा रहा है. बादशाही एंड की तरफ से आरंभ करते हुए अपनी गेंदबाजी का. पवन, एक बड़ी श्रृंखला का आयोजन अशोक राव जाधव इनके द्वारा, उनके भाई और सरपंच दिनेश जाधव इनके द्वारा एक बड़ी श्रृंखला. कल्पेश, दिनेश बसवंत, इन्होंने बहुत ही बड़ा अच्छा साथ दिया है और एक अच्छा आयोजन
इस श्रृंखला के ऊपर हम देख रहे हैं। एक गेंद फुल टॉस थी, स्क्वायर लेग के ऊपर मोड़ना खेलना चाहते थे, वहां पर एक रन दिनेश बसवंत के लिए, एक अच्छा काम है। दिनेश बसवंत को खाली क्या करना है, स्ट्राइक को रोटेट करना है। कल्पेश जाधव के पास ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रहेगी तो भातसई की टीम उड़ान भरेगी। ताली में नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, परवाह नहीं करते वो जमीन पर गिर जाने की। ये गेंद उठाने की कोशिश, यहां पर अपील मांग बहुत है लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं है। अपील बहुत ही बड़ा अपील है, शायद आत्मविश्वास का अभाव होगा इस मैच में और इसी के कारण अंपायर ने तो ठुकराया है। निरंजन सावंत सर जो कि मेन अंपायर की भूमिका अदा कर रहे, दूसरे अंपायर जय पवार सर बहुत ही बड़े ख्यातनाम अंपायर से। इस अंपायर के बारे में कहा जाए तो श्रृंखला को बड़ा करने वाले अंपायर से, हर किसी श्रृंखला में जब खड़े हो जाते हैं ना श्रृंखला अपने आप बड़ी हो जाती, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होती इस अंपायर द्वारा और डिसीजन साफ होते, क्रिकेट के डिसीजन को खूब बारीकी से वो इस्तेमाल करते हैं। और वही अंपायर निरंजन सावंत और जय पवार सर इस बीच मैदान के ऊपर, जहीर खान तीसरे अंपायर बहुत ही अच्छे अंपायरिंग श्रृंखला में उन्होंने भी निभाई है। ये रिवर्स पुल है, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं आएंगे, नो मैन्स लैंड में गेंद, वहां पर एक रन दूसरा रन के लिए फिर एक बार दौड़ पड़े और दूसरा भी रन आसानी के साथ। मानो खरगोश की तेजी, मानो हिरन भाग रहे विकेट के बीचों बीच, काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और स्कोर कार्ड के ऊपर बने 21 रन एक विकेट के नुकसान पर। एज स्पोर्ट्स बात सही। दहागाव के सरपंच सौभाग्यवती सुगंधाताई किसनराव देशले यांच्याकडून नाश्त्याचं आगमन झालेलं आहे, आपल्या सर्वांसाठी त्यांनी नाश्त्याची व्यवस्था केलेली आहे। सर्व प्रेक्षकांना आम्ही विनंती करतो आपण या आणि हा प्रेक्षकांनी जागेवर बसा, आपल्याला जागेवरती नाश्ता मिळेल। वा चांगलं नियोजन आहे इथे आणि पाहतोय आपण पुन्हा एकदा ब्लास्ट विस्फोटक फटका इथे बाहेर पडतोय तो कल्पेश जाधवच्या बॅट मधून। कल्पेश जाधव स्ट्राइक एंड वरती, हा चेंडू मात्र निर्धाव असेल। मला गौरव सावंत माहिती देत आहेत की ज्या वेळेस गोरसई संघाने या स्पर्धेमध्ये प्रवेश नोंदवला त्यावेळेस कल्पेश जाधवने त्यांना माहिती दिली होती की या वर्षीची फायनल गोरसई विरुद्ध भातसई होईल। काय विश्वास आहे, काय आत्मविश्वास आहे आणि आज आपण पाहतोय कमिटमेंट इथे कल्पेश जाधव कडून की गोरसई आणि भातसई या दोन संघांची फायनल बघायला मिळते। पाहायचं या फाइनल मध्ये विजेता कोण ठरेल। तीन षटकांचा खेळ संपलेला आहे, धाव फलकावरती आहे तब्बल 32 धावा, शेवटचं षटक आता शिल्लक आहे 32-32 ऑन बोर्ड। विजय पाटील पिसे गावाचा शिवसेनेचा वागर, शिवसेनेचा वागर दादा शिवसेनेचा वागर, विजय पाटील पिसे गावाचा शिवसेनेचा वागर। भातसई आणि परिसरामध्ये निश्चित या परिसराचा काया पालट करत असताना या परिसरातील तरुणांना देखील एक चांगली दिशा देणारे नेतृत्व म्हणजे अशोकराव जाधव सर, सरपंच दिनेश जाधव 32 आणि त्यांच्या माध्यमातून उभी असलेली ही स्पर्धा, क्रिकेटच्या माध्यमातून खेळाडूंना उभं करून दिलेलं मोठं व्यासपीठ, एज स्पोर्ट्स आयोजित शिवसेना चषक 2021। आपला अभिमान, आपला स्वाभिमान शिवसेना आज भगवी पताका संपूर्ण मैदानाच्या सभोवताली फडकते। रणी फडकती लाखो झेंडे, वरुणाचा अवतार महान, विजय श्री श्री विष्णुपुरी, भगवा झेंडा एकची हा। धाव फलकावरती आपण बघू शकतो पुन्हा एकदा एका धावेची नोंद होईल 33 धावा आणि स्ट्राइक एंड वरती पुन्हा कल्पेश, मला वाटतं अनसेल्फिश नॉक साठी धन्यवाद देऊ ते दिनेशला, तीन चेंडू खेळला दिनेशने तीन धावा बनवल्यात आणि कल्पेश जाधवला स्ट्राइक वरती आणण्यासाठी महत्त्वाचं योगदान दिलेलं आहे। या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात क्रिकेटमध्ये, हे समर्पण खूप महत्त्वाचं असतं। स्वराज्य उभं करण्यासाठी अनेक मावळ्यांनी, अनेक सरदारांनी प्राणाची आहुती दिली,
त्यामुळे त्यांनी सांडलेल्या रक्तामुळे स्वराज्य उभं राहिलं. अनेक हुतात्म्यांनी बलिदान केलं म्हणून स्वातंत्र्य मिळालं. आणि क्रिकेटमध्ये तुम्ही जे समर्पण देतात ते त्यापेक्षा काही वेगळं नाहीये. दिनेश बसवंत नॉन स्ट्राईक एंडला, कल्पेश जाधव स्ट्राईक एंडला, यावेळेस खोलवर टप्प्याचा चेंडू निश्चित प्रकारे खूप चांगला चेंडू आहे. राईस करू शकला नाही फलंदाज कल्पेश. धाव फलकावरती धावा 34 धावा कल्पेश जाधव. तुम्हाला माहित असेल एक मॅच रॉबिन उथप्पा फलंदाजीला आला त्यावेळेस रोहित शर्माने 155 धावा बनवल्या होत्या. रॉबिन उथप्पानं 16 चेंडू मध्ये 16 धावा बनवल्या आणि मॅच संपली त्यावेळेस रोहित शर्माच्या 264 धावा झाल्या होत्या. विचार करा 99 धावा एका बाजूने काढल्या तिथं 16 धावा दे चांगली साथ दिली आणि ही तीच साथ चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर घेऊन जाते. कल्पेश जाधवचा ब्लास्ट षटकार. अरे खेळाडूंचा कॉन्सन्ट्रेशन डिस्टर्ब करू नका. भावेश पवार अत्यंत चांगले खेळाडू आहेत त्यामुळे त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन महत्वाचं आहे आणि खेळ एकाग्रतेवरतीच अवलंबून असतो. मॅच मध्ये जाऊ आपण. इथे धाव फलकावरती 40 धावांची नोंद. शेवटचं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे आणि कल्पेश जाधवचा झंझावात आपण पाहतोय. कल्पेश जाधव भातसई संघासाठी ते उमलणारं फुल आहे तर गोरसई बी संघासाठी बाभळीचा काटा आहे. सलतोय सातत्यानं फुल टॉस चेंडू कव्हरच्या डोक्यावरून खेळलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे खाली पोहोचेल झेल टिपला कल्पेश जाधव बाद काटा काढला. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. फुल मात्र उखड़नारा ठरला. कल्पेश जाधव बाद होतोय. कल्पेश जाधव ने 3 षटकार 1 चौकार ठोकत आपल्या संघासाठी धावा बनवलेले आहेत त्या 26 धावा. खूप चांगले योगदान इथे आपल्याला कल्पेश कडून बघायला मिळालं शेवटच्या षटकातील. आता मात्र शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 40 धाव संख्येवरती आपण बघतोय गोरसई बी संघाला. वाह खूप चेंडू खूप उंच आकाशामध्ये एक्झिक्युशन खराब आहे. चेंडू खूप वेळ आकाशामध्ये आणि तिथे झेल टिपला दिनेश बसवंत देखील बाद. तीन हजार प्रेक्षक टेनिस क्रिकेट डॉट इन यूट्यूब चॅनल वरून लाईव्ह बघतायत. सर्व प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. इथे जो झेल टिपला कल्पेश जाधवचा टायगर, टायगर साठी नितीन विषय यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. टायगर मॅच संपल्यानंतर आपलं बक्षीस घेऊन जा. दरम्यानच्या काळामध्ये 1 धाव 1 गडी बाद होईल. 41 धावा धाव फलकावरती. विजयासाठी गोरसई बी संघासमोर 42 धावांचं आव्हान आहे. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें.
सर्व खेळाडूंसाठी प्रेक्षकांसाठी नाश्त्याची व्यवस्था करण्यात आली. एजेस स्पोर्ट्सच्या वतीने आम्ही आपलं अगदी मनापासून आभार व्यक्त करतो, मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आखडला 40-41 धावा धावफलकावरती आहेत आणि विजयासाठी 42 धावांचं आव्हान. फायनल ग्रँड फिनाली मैदानामध्ये सुरू आहे आणि या फायनलमध्ये दुसरी इनिंग सुरू होईल. जशी 41 धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी गोरसई बी संघ मैदानामध्ये दाखल होईल आणि या ठिकाणी आपल्या समवेत असतील मच्छिंद्र पाटील सर. या स्पर्धेच्या निमित्तानं निश्चित मी अशोकराव जाधव साहेबांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो, ज्यांनी मला या स्पर्धेसाठी शेवटच्या 2 दिवसासाठी निमंत्रण दिलं. कल्पेश जाधव यांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. अजय पवार सरांचा मी आभार व्यक्त करतो. आज आपल्या समवेत येण्याची संधी मिळाली, एका चांगल्या स्पर्धेमध्ये समालोचन करण्याची संधी मिळाली. तर आपण 2 दिवसामध्ये दिलेलं प्रेम, माझी ठेवलेली उत्तम बडदास्त यासाठी मी आपल्या सर्वांचा निश्चित नेहमी ऋणी राहील. आणि या स्पर्धेमध्ये जरी समालोचन संपलेलं असलं तरी सुद्धा आपल्या सर्वांवर असंच प्रेम कायम राहील. आपल्याकडून देखील मी प्रेमाची अपेक्षा करतो. थँक्यू अलॉट. यानंतर येत आहेत मच्छिंद्र पाटील सर. या सर स्वागत आहे. हॅलो चेक, हॅलो चेक. बहुत बहुत शुक्रिया सर जी. चलेंगे दोस्तों, क्रिकेट के सदाबहार बेहतरीन की दुनिया में ये सुहाना सफर, ये सुहानी शाम, ये रंगीन शाम, ये रंगारंग माहौल क्या होगा मैदान के ऊपर, क्या इस प्रतियोगिता में फाइनल की कौन सी टीम यहाँ पर जीत पाएगी. 3000 से भी दर्शक लाइव के जरिए हमसे जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भी और बने रहे हमारे साथ. ये सुहाना सफर, ये सुहानी शाम, जीत के लिए 42 रन का लक्ष्य 41 रन बनाए कुल मिलाकर और 10.50 के अवसर से रन बनाने की 4 ओवर का मुकाबला आरंभिक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर और यह शानदार माहौल, यह शानदार सुहाना पल. पहले गेंद बहुत ही खूबसूरत के साथ सही सटीक लाइन पर गेंदबाज करने का प्रयास करते उसमें कामयाब मिलती हुई दौड़ने की समाप्ति. ये गेंदबाजी होनी चाहिए बीच मैदान के ऊपर. दिनेश गेंदबाजी में आते हुए और बल्लेबाजी में संदेश और उनका साथ निभाएंगे पवन अच्छे बल्लेबाज. गोरसी टीम ने इस प्रतियोगिता में आज के प्रतियोगिता में तहलका मचाया है और उन्हीं की बदौलत इस मैदान के ऊपर उन्हीं के साथ ही साथ चलती हुई गोरसी टीम के साथ भादसे टीम ने भी अपना शत प्रतिशत योगदान दिया है. ये मुकाबला काफी बड़ा होगा. इस बीच ये गेंद और के यहां पर बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग. इस बल्लेबाज को रोकना मुश्किल ने बल्कि नामुमकिन है. दैट्स अ ह्यूज सिक्स. तर पवन ने यदि 3 गेंद में 3 छक्के लगाएंगे तो बाबू मुझसे बदलापुर की ओर से उनको पूमा के शूज यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे. पहली गेंद पर शॉट यहाँ पर दौड़ने की समाप्ति. दूसरी गेंद पर करारा पार प्रहार. ये करारा प्रहार भारतीय टीम में सन्नाटे का माहौल मैदान पे बीच मैदान के ऊपर पैदा कर रही है. इस बीच अगली गेंद, कमाल की टाइमिंग. खिलाड़ी वहां पर मौजूद, स्वयं गेंदबाज गेंद को फील करते. डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ पर. पहली गेंद डॉटी, उसके बाद छक्का था, उसके बाद डॉट गेंद यहाँ पर. ये मुकाबला काफी कड़ा होगा क्योंकि सूरज हमसे विदाई ले चुका है. ये माहौल रंगारंग बन चुका है. दर्शक की तादाद चारों तरफ जहां पर निगाह जाए वहां पर दर्शक, दर्शक और सिर्फ दर्शक. और दर्शकों से यहाँ पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रतियोगिता का यहाँ पर स्टैंडर्ड कितना है और प्रतियोगिता कितनी बड़ी. यहाँ पर जीत के लिए 42 का लक्ष्य. पहला ओवर प्रगति पर गेंदबाज में तेज तरह दिनेश की शानदार गेंदबाज. लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. पिछले 4 गेंदों का सामना किया बल्लेबाज संदेश ने और 4 गेंदों में उन्होंने 2 गेंदे डॉट खेलकर एक छक्के की मदद से 7 रन का योगदान दिया. अब स्ट्राइक को रोटेट किया, अब स्ट्राइक को मौका मिलेगा यहाँ पर बल्लेबाज पवन को. पवन यानी कि हवा, हवा से भी तेज रन बनाने वाले ये पवन बीच मैदान के ऊपर. एक राइट हैंड बल्लेबाज, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज और वही यहाँ पर इस समय आते हुए पवन साकेत पर 5वें गेंद का सामना करेंगे. इस बीच अगली गेंद, चेंज ऑफ पेस, करारा प्रहार यहाँ पर. गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन. शुक्रिया डीजे. पवन को ओवर पिच गेंद फेंकना यानी कि आपको दावत देने के बराबर है. पवन ने यहाँ पर करारा जवाब दिया, छक्के के साथ अपने खाते की शुरुआत करते हुए टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ और फुल स्कोर में इजाफा यहाँ पर टीम का स्कोर आता हुआ 13 पर पहुंचता हुआ. जिस प्रकार शुरुआत की संदेश ने छक्का लगाकर अपने इन पारी की शुरुआत की, उन्हीं की राह पर चलते हुए, उन्हीं की राह पर कदम पर चलते हुए 6 रन के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते हुए और टीम का स्कोर 13 रन देखना अंतिम गेंद स्कोर के P1 की फाइनल डिग्री ऑफ द P1. इस बीच गेंद, ये देखिए कमाल की टाइमिंग.
रनिंग नहीं यहाँ पर, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन क्या पहुंच पाएंगे, लेकिन पवन यहाँ पर किस्मत उनका साथ देती हुई और यहाँ से मिलेंगे दो रन तीसरे की कोशिश और यहाँ से बनेंगे तीन रन। लेजी क्रिकेट यहाँ पर भाष्य की ओर से, और कल्पेश यादव बता रहे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है यहाँ पर, जहाँ पर दो रन थे वहाँ पर तीन रन खर्च के और की समाप्ति स्ट्राइक को अपने खेमे रखा बल्लेबाज पवन ने और की समाप्त के तब तक टीम का स्कोर एक ओवर के समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर बनता हुआ 16 पर यहाँ पर पहुंचता हुआ। बैल इसका लक्ष्य यह प्रतियोगिता हम देख पा रहे अशोक जीत यादव और उनके साथ साथ उनके भाई दिनेशजीत यादव, यानी कि कदम कदम बढ़ाया जाए, खुशी के गीत गाए जाए, इन दोनों भाइयों की जोड़ी, इनके माध्यम से यह प्रतियोगिता फल फूल रही है। क्या शानदार माहौल यहाँ पर, क्या शानदार समय, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, द सन इज बीटिंग डाउन स्लोली स्लोली, प्लिंच ऑफ फ्लैग, प्लिंच ऑफ कलर, रशिंग एंड चेयरिंग क्राउड, व्हाट अ वंडरफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट। यू आर टू वॉचिंग शिवसेना ट्रॉफी 2021 एंड फाइनल डे एंड फाइनल मैच है। यू आर टू वॉचिंग जीत के लिए यहाँ पर लंबा सफर है, बैलिस का लक्ष्य है और टीम का स्कोर 16 रन। पहले ओवर में यहाँ पर रन बनाते हुए दोनों बल्लेबाज आपसी तालमेल में जुटाते हुए और के समाप्त के बाद दिनेश का ओवर खराब रहा पर फुल टॉस गेंद, ये देखिए कमाल का प्रहार, आबेल मुझे मार, ये छक्का शानदार यहाँ पर। थैंक यू डीजे। यदि अंतिम गेंद के ऊपर दो रन बनते तो ये स्ट्राइक पवन को नहीं मिलती और ये पवन को स्ट्राइक नहीं मिलती तो ये छक्का नहीं होता। ये क्रिकेट है दोस्तों, ये क्रिकेट में आप छोटी छोटी गलतियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अक्सर इंसानों को पत्थर से चोट लगती है न कि पहाड़ों से। इसके लिए अक्सर छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। नरेश सर, इससे पहले दो रन मिलते तो पवन को स्ट्राइक नहीं मिलती और ये तीन रन मिले पवन को स्ट्राइक मिले, पवन ने छक्का लगाया पर और टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, पवन के बल्ले से निकल दूसरा छक्का, पवन ही ऑन द फायर नाउ। क्या गेंदबाज के गेंद में गति है जो पवन को रोक सके। टीम का स्कोर इस मैदान के पर लगातार बढ़ता हुआ, हवा का रुख थम चुका है, शाम हो चुकी है, सुहानी शाम और सुहानी शाम में चलता हुआ यह रंगारंग मुकाबला या ग्रैंड फाइनल का मुकाबला। 60 टीमें इस प्रतियोगिता में शरीक हो चुकी थी, 58 टीमें इस मैदान से विदाई ले चुकी यहां पर। यह देखिए फुल टॉस गेंद, एक और बढ़िया शॉट, यह छक्का नहीं बल्कि अट्ठा है लेकिन रन मिलेंगे 6, शानदार छक्का। टीम का स्कोर यहाँ पर 28, महज 14 रन की आवश्यकता, बस से टीम ने काफी सपने सजा यहाँ पर उनके घरेलू मैदान के ऊपर, उनके दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में, लेकिन किसी की भी चेहरे पर नूर नहीं है, बल्कि मायूसी यहाँ पर क्योंकि ये मुकाबला उनके पक्ष में बिल्कुल अब नहीं रहा पर, लेकिन अभी भी समय उनके पास। इस बीच अगली गेंद, कमाल की गेंदबाजी, क्विक डिलीवरी, बल्लेबाज को रोक लगाने की क्षमता रखते यहाँ पर कल्पेश यादव, एक बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का यहाँ पर। और पवन स्ट्राइक एंड पर, जिस पवन ने यहाँ पर कुल मिलाकर 3 छक्के लगाए यहाँ पर बल्लेबाज ने। इस बीच ये गेंद, कमाल की गेंदबाजी, ये यहाँ पर अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए अपने तर्क से एक और तीर निकालकर यॉर्कर का इस्तेमाल करते हुए पवन को थमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन थमाया यहाँ पर पवन को कल्पेश यादव की यहाँ पर चालाकी, एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ और टीम का स्कोर अमर स्कोर में बताते हुए टीम का स्कोर बनता हुआ 29 रन यहाँ पर। पर का दूसरा और प्रगति पर, जीत के लिए 42 का लक्ष्य, मैदान के ऊपर कई दर्शक है लेकिन ये सन्नाटा क्यों है भाई, ये भी सवाल पूछा जाएगा। मैदान के ऊपर इतने दर्शक लेकिन चीखों से नहीं गूंज रहे मैदान, जिस तरह से कब्रिस्तान में सन्नाटा होता है वो सन्नाटा हम महसूस कर रहे हैं क्योंकि भाष्य टीम का भविष्य यहाँ पर इस मैदान के ऊपर इतना उजागर नहीं दिख रहा है क्योंकि पवन की शानदार बल्लेबाजी और संदेश को उनका मिलता हुआ साथ। संदेश का प्यार से बाद अंतराल के बाद फिर एक बार स्ट्राइक पर आते हुए बाहर के खूंकार शिकारी, फुल टॉस गेंद, दिशा दी इस गेंद को, कमाल की टाइमिंग, वन बॉल सीमा पार, चौकार। थैंक यू डीजे। 9 रन की आवश्यकता, टीम का स्कोर 33 और शानदार बल्लेबाजी, निखिल हमारे स्कोरर जानकारी देते हुए, कमाल की टाइमिंग, व्हाट अ शॉट, फुटवर्क लुक्स ब्रिलियंट, शॉट लुक क्लास, क्लासिकल टाइमिंग, 2 बाउंस और दौर अप, दैट्स अ 4 रन्स।
पर पांच रनों की आवश्यकता। सम्मानीय नितेश नितिन विषय इनके ओर से 500 का इनाम आ चुका है पवन कहने के लिए यहाँ पर। तो दोस्तों सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये मुकाबला एक तरफा होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। अब जीत के लिए 12 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। सभी दर्शकों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो प्यार आपने इस प्रतियोगिता के आयोजकर्ताओं को अशोक जाधव सर को साहब को दिनेश जाधव साहब को दिया है। ये प्यार हमेशा बरकरार रखे हम आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि 6 दिन का क्रिकेट का ये महासंग्राम है, क्रिकेट का कारवा, ये लगातार क्रिकेट की शानदार प्रतियोगिता आज इसका समापन होगा। और हु इज गोइंग टू बी चैंपियन, यू विल गेट आंसर शॉर्टली, बिकॉज ही इज ऑन द फायर नाउ, द बोर्ड द बैट्समैन ऑफ द फेयर नाउ, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट फ्रॉम द दिस ओपनर्स। और टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, मैच जीत के लिए 12 गेंदे और 4 रन की आवश्यकता, 5 रन की आवश्यकता। और ये मुकाबला 13 गेंदों में जीता है गोरसे टीम की शानदार जीत। ब्रावो।